देखिए, आज सुबह तड़के उठ के हर कोई महादेव और माँ पार्वती के दर्शन करने पहुंचा है। और हमारे जो अंकित गुप्ता है ना, वो भी किस तरह मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर पहुंचकर लिया उन्होंने महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आज महादेव के दर्शन करने, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए कौन आया है। नंगे पैर अपने भोले बाबा के दर्शन करने अंकित गुप्ता पहुंच गए हैं मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में। एक्चुअली बहुत बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में, और मुझे ऐसा लगता है जब आपका वक्त सही होता है तो बुलावा आ ही जाता है। और मुझे लगा नहीं था कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के इतने इजीली, इतने आराम से दर्शन हो जाएंगे, बट शायद भोलेनाथ ने इस बार मुझे बुलाया है और उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा, तो वही हम लोग देखते हैं। मन में भोलेनाथ का नाम लिए बस इसी उम्मीद से अंकित आए हैं कि आज भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से हो जाएं। और आप ये साफ साफ देख लीजिए कि अंकित जैसे ही मंदिर में पहुँचे, बाबा के सामने खड़े हुए, एकदम से उन्होंने खुद को भगवान की भक्ति में विलीन कर दिया। पंडित जी श्लोक कह रहे थे तो वहीं अंकित भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। जितने शांति से आए थे उतनी ही शांति से पूजा भी हुई। मंदिर के दर्शन हुए, अंकित का स्वागत भी हुआ और अपने भोलेनाथ को धन्यवाद भी किया अंकित ने। ऐसा बोलते हैं, मनोकामना बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी नहीं होती है। तो जो मांगा है वो मेरे और भोलेनाथ के बीच में है, अब भोलेनाथ जरूर सुनेंगे और जब पूरी हो जाएगी सबको पता चलेगा। अब महाशिवरात्रि के दिन जब मंदिर में आए हैं तो अपने परिवार और अपने खास दोस्त प्रियंका के लिए अंकित ने भगवान के सामने गुहार लगाई है, उनके लिए भी कुछ मांगा है। उनके लिए भी मांगा, मैंने सबके लिए मांगा है। और जब भी मैं मांगता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, मैं एक्चुअली सबके, जो भी जितने भी लोग हैं दुनिया में, मैं सबके लिए मांगता हूँ। और सिर्फ मैं यूजली इतना बोलता हूँ कि जिसके लिए जो अच्छा है वो करना। अपने लिए तो हर कोई भगवान से मांगता है, लेकिन असली भक्त वही होता है जो भगवान के सामने अपने दोस्तों और परिवार की सही सलामती की कामना करे। तो अंकित उन्हीं भक्तों में से एक है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और ऐसा बोलते हैं कि इस मंदिर की मान्यता बहुत है, मन में बहुत उथल पुथल मची होती है वो यहाँ के शांत हो जाती है। और बहुत ही अच्छा स्थान है मेडिटेशन करने के लिए, बहुत ही अच्छा स्थान है ध्यान लगाने के लिए, और बहुत ही अच्छा स्थान है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। तो अगर यहाँ नहीं आ सकते तो आज महाशिवरात्रि है, प्लीज़ चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, जितना भी समय आप निकाल पाएँ ज़रूर मंदिर जाएँ, शिव जी के दर्शन करें और जो आपके लिए अच्छा होगा भोलेनाथ करेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए बात हो रही हो महाशिवरात्रि की, तो ये तो हर कोई जानता है कि आदि योगी के आश्रम में किस तरह महाशिवरात्रि का जश्न मनाया जाता है। तो हम भी ईशा सिंह के साथ देखिए पहुंच गए कोयम्बटूर और किस तरह महादेव और माँ पार्वती की आस्था में लीन है ईशा सिंह। ये नज़ारा आपको दिखा रही है विभा कौल भट्ट और हमारी टीम। महादेव हमेशा से ही उनके भक्तों के मन में क्या होता है ये बात जान लेते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ईशा सिंह ये सोच ही रही थी कि महाशिवरात्रि के मौके पर काश उन्हें महादेव के ऐसे दर्शन करने का मौका मिले जो उनके लिए एक याद बनकर रह जाए। तभी सास बहू और साजिश का कॉल गया ईशा को और हमने उनसे कहा कि क्या तुम महाशिवरात्रि के मौके पर कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन जाना चाहेंगी जहां पर आदि योगी का आश्रम है। ईशा को हाँ कहने में एक पल भी नहीं लगा और देखिए आज वो यहाँ पर हैं। शिवरात्रि के दिन आदि योगी के आश्रम में बहुत ही भव्य तैयारियां होती हैं। हजारों भक्त यहां पर आते हैं और उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होती है, तैयारियां भी जमकर होती है। किचन का पूरा जायजा भी लेंगे लेकिन उससे पहले ईशा से खास बातचीत करते हैं। जब मैं यहाँ आई और मैंने सबसे पहले जब आदियों को देखा, ओह माय गॉड, आई वाज एक्साइटेड लाइक अ बेबी। और मैं अभी मैम से विभा मैम से बोल रही थी कि जब मैंने पहली बार देखा तो सिर्फ इतना शॉर्ट था, तो सिर्फ फोरहेड दिख रहा था मुझे और आंखें नहीं दिख रही थी, बट सिर्फ फोरहेड दिख रहा था। एंड अभी मैंने पूरा देखा एंड आई कांट टेक माय आईज ऑफ हिम एंड आई एम सो सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू एबीपी कि मैं यहाँ आई हूँ, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं शिवरात्रि सेलिब्रेट कर पा रही हूँ। सो जो छोटी सी ईशा ने जो एक मैनिफेस्ट किया था ना, वो आप लोगों ने पूरा कर दिया। सो ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी। एनर्जी हियर इज टॉप नॉच, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश है और मुझसे ज्यादा खुश पता नहीं कोई है या नहीं। आदि योगी के इस मूर्ति के सामने आते ही हम खुद को धन्य समझते हैं। यहाँ का माहौल एकदम दिल को छू लेता है। ईशा के तो पैर मानो जमीन पर नहीं है, वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। फिर महादेव की भक्ति में आज वो सराबोर हो गई है। शिवरात्रि की तैयारियां दिन भर चलती रहेंगी। भक्त आएंगे, शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, पूरे दिन यही कार्यक्रम चलता रहेगा और उसके बाद जब रात होगी तब शुरू होगा जागरण। सद्गुरु आते हैं और भक्तों के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं। रात भर चंद्रमा के नीचे बैठकर ओम का जाप होता है, वो पल भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। कोयम्बटूर से कैमरामैन आतिश कामरे के साथ विभा कौल भट्ट की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम्हें गाड़ी नहीं दिखी? अरे रुको, मैं नहीं चल सकती। ये कुछ भी हो रहा है कि क्या कभी ऐसा होता है कि हनीमून के लिए निकले हो और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और देखिए इस सड़क पर अकेले चलकर जा रहे हैं पूर्वी और राजवंश। अब हमें तो कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि गाड़ी वाड़ी खराब करने का तो एक बहाना था, दरअसल आरवी और पूर्वी को करीब जो लाना था। कुछ पल साथ चलेंगे, कुछ पल लड़ेंगे झगड़ेंगे और कुछ पल एक दूसरे को समझेंगे। अरे रुको रुको ना, मैं नहीं चल साथ में। सच में लगी है, मैं नहीं चल पाऊंगी। आरवी और पूर्वी हनीमून पर जा रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक पेट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ी का, तो हम आधे रास्ते आ गए हैं। बट रास्ते में मैं बहुत थक जाती हूँ और ऑल्सो मैं गिर जाती हूँ। आरवी को मुझे उठाना पड़ता है अपनी गोदी में और वो भी बेचारा बाद में फिर थक जाता है। लेकिन फिर वही दोनों का क्यूट सा बैंटर चल रहा है, लड़ाई कर रहे हैं। फिर कुमकुम भाग्य के राइटर कुछ ऐसा ही चाहते थे, तभी तो हनीमून के लिए निकले और इतना बड़ा सियाप्पा हो गया। अब पूर्वी कितनी नाजुक है, चलते चलते वो इस कदर थक गई है कि अब उससे चलना ना हो पा रहा है। वो गिर भी गई और देखिए कितने प्यार से आरवी ने उसे गोद में भी उठा लिया। बीच में जब झगड़ा हुआ तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए और इतने में एक गुंडों की एंट्री हो गई। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, मेरी माँ ने कहने दी है, मैं नहीं दूंगी, प्लीज मैं नहीं दूंगी। देखो मुझे चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, आप भी जोर जोर से दूर रहो मुझसे और अपनी गाड़ी को भी छोड़ो। निकल, अरे नहीं छोड़ो, बचाओ। पुलिस कहाँ से आ गई? अरे क्या तुम लोग, बाप रे बाप, ये पूर्वी और राजवंश से ना कोई बचा ले, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, एकदम छोटे बच्चों की तरह लड़ते हैं। भगवान जी ने नहीं बचाया, मैंने बचाया। तू मुझे यहाँ छोड़कर जा रही है, हम तो पुलिस टाइम पर आ गई इसलिए हम लोग बच गए। तुम्हें क्यों थैंक यू बोलूंगा, तुम तो भाग रहे थे ना मुझे छोटी गुंडों के साथ। वो उनको ऐसा बोलता है, आप इसको लेकर चल जाओ, मेरा दिमाग खाते है। तो आई एम लाइक व्हाट, मुझे बीच में छोड़ के जा रहा है। बट नहीं, ऑफ कोर्स मुझे बचाने आता है स्मार्टली, वो अपने फ़ोन से कनेक्ट करके कुछ सायरन बजाता है, लेकिन सबको लगता है कि पुलिस आ गई है, तो गुंडे खुद भाग जाते हैं एंड हम बच जाते हैं। कुछ भी हो, मुंबई के फिल्म सिटी में ये सीन शूट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अब वो नहीं पता कि ये हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं, पहुंच पाएंगे भी या नहीं, लेकिन ये वाला सीन देखकर पूर्वी और राजवंश के फैंस बहुत खुश होने वाले हैं।
तो अगर फैंस खुश हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फैंस के खुश होने पर हमें तो दोहरी खुशी मिलती है। तो आरवी पूर्वी ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, देखते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है, तो लड़ाई भी होनी थी, तो बस ये सब ही चल रहा है। बट आई थिंक जब ये टेलीकास्ट होगा तो ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए महादेव के सामने जो गुहार लगाता है ना, तो भोलेनाथ उसके मन की आवाज जरूर सुन लेते हैं। और मंगल लक्ष्मी में तो मंगल बड़े ही दिल से माँ पार्वती से अपने सुहाग की रक्षा की और भोलेनाथ से शक्ति की उपासना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। क्या है ना कि मंगल के पति की जान जो है वो खतरे में है। महादेव की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा होती है। भक्त भी तो अपने महादेव को खुद से अलग कभी नहीं कर पाते हैं। आज मंगल अपने सासू माँ के साथ मिलकर महादेव का अभिषेक करेगी, क्योंकि महाशिवरात्रि वो खास दिन होता है जिस दिन महादेव अपने भक्तों पर बहुत सारा प्यार लुटाते हैं। अब जिसका नाम ही मंगल हो उसके साथ हर चीज मंगल ही होती है। तो आज हम दोनों मिलकर शिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर में। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली, लक्षु भी थी, मगर अभी लक्षु जो है सीन में बिजी है, तो इसलिए, और बाकी मेरी सासू माँ मुझे पूरा गाइड कर रही है कि कैसे शिवरात्रि की पूजा करनी है। तो मंगल लक्ष्मी में पहली बार हम शिवरात्रि जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है। अगर शिव जी के सामने तीन ताली बजाओ ना, तो बहुत सारे इसके पीछे रहस्य है कि तीन ताली मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की होती है। आप किसी को जगाना होता है, जैसे हम मंदिर में घंट बजाते हैं, उसके बाद भी अक्सर मैंने ऐसा सुना है अपनी दादी नानी से कि घंट बजा के ऐसे ही लहराते हुए निकल नहीं जाना चाहिए टेंपल में। जैसे आप घंट बजाओ तुरंत हाथ जोड़ के नमन कर दो भगवान को, तो भगवान को पता चलेगा अच्छा मुझे किसने बुलाया, और उनका नज़र हमारे पर पड़ेगी और हम प्रणाम करते हुए दिखेंगे, तो भगवान आशीर्वाद देना बनता है। तो आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो तो शिव जी को अपने सच्चे मन से मंदिर जाओ, खूब सारा जब तब अपनी यथाशक्ति के अनुसार करो, किसी का भला करो, खुद को खुश रखो। बोलते हैं ना यथा दृष्टि तथा सृष्टि, पहले मन जैसा होगा फिर वैसे आसपास की दुनिया बन जाएगी। तो खुद खुश रहो, खूब सारा सेलिब्रेशन करो, अच्छे से रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो। अब मंगल हे महादेव का आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ है, तो आप ऐसे में परेशान बिल्कुल मत होइए। आपके पति आदि को कुछ नहीं होगा। जैसे ही खबर मिली मंगल और उसके परिवार को के आदि का एक्सीडेंट हो गया है, देखिए कैसे दौड़ते दौड़ते अस्पताल पहुंच गया है पूरा परिवार। मैडम बताइए ना, आदि सर कहाँ एडमिटेड, कौन क्या रूम नंबर है उनका। अब मंगल एकदम परेशान है, परेशानी की हालत में वो बहुत गुस्सा भी हो गई है, जो कि मंगल की जगह अगर कोई दूसरी पत्नी होती तो वो भी ऐसा ही करती। एक बार जवाब नहीं दिया आपने, हम भी अपना काम कर रहे हैं। हाँ ना, रूम नंबर कुछ तो बताएंगे आप, ऐसा लग रहा है जैसे हम आपको दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे। अभी इसी में बताइए कि आदित्य सर कौन से रूम नंबर में है।
अब सोचिए, हिम मंगल को अपने पति से हमेशा धुतकार मिली है, उसके बावजूद वो पति का मान सम्मान करती है। आगे चलकर कहीं न कहीं हिम मंगल के पति को इस बात का एहसास जरूर होगा कि उसने कभी भी मंगल के साथ अच्छा नहीं किया है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो शिवजी की प्रार्थना हर सोमवार को होती है और शिव भक्तों के लिए तो हर दिन जो है वो शिवजी का दिन होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जब महादेव का अभिषेक होता है ना, तो उसमें अपना ही एक अलग आनंद होता है। तो चलिए, आज के दिन तो शिव शक्ति तप त्याग और तांडव के जो हमारे राम और सुबह है उनके पास जाना तो बनता है, और शिव और पार्वती का किरदार ये टेलीविजन पर तो निभाते हैं, लेकिन किस तरह ये किरदार निभाते हुए उनके स्वभाव में बदलाव आया है और कितनी मंत्रमुग्ध होकर वो कर रहे हैं महादेव का अभिषेक, ये भी आपको दिखाएंगे। आज का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है हिंदू धर्म में, और बस इसी शिवरात्रि पे हम दोनों प्रभु भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आए हैं, अच्छी सेहत के लिए, आशीर्वाद के लिए, और आप सभी के अच्छी सेहत और आशीर्वाद आप पर बना रहे और सभी खुश रहें। आज शिवरात्रि का पर्व है और आज हमने सोचा कि इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है भगवान के पास आके धन्यवाद कहने का, आज तक जो भी उन्होंने हमें दिया है, और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भगवान से लेने का, तो बस इसीलिए हम यहाँ आ गए। सभी ये पूछते हैं कि भोलेनाथ के किरदार के बाद आप में क्या चेंजेस आए, तो सबसे पहला चेंज यही है कि अब मैं कुछ मांगता नहीं प्रभु से, बस हर चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं बाबा आप ही का है जीवन, देख लो क्या करना है, तो यही मांगा जाता है और तो कुछ नहीं। मैंने 1600 बार रख लिए हैं, अब पति का तो भोलेनाथ ही देखेंगे। सच में ऑनेस्टली मांगना छोड़ दिया है, अब बस इतना विश्वास रखना शुरू किया है कि जो होगा अच्छा होगा, जो उस आपको उस परिस्थिति में शायद अच्छा ना लगे पर कुछ देर बाद समझ आ जाएगा कि बहुत अच्छा था जो हुआ। कोई जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं अगर वो भी मुझे अभी मिलेंगे तो वो कहेंगे कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो पहले थी, तो वो बदलाव आया है, ज़रूर आया है, और मुझे विश्वास है कि अच्छा बदलाव है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ, पर हाँ इतना कहूँगी कि पहले से बेहतर इंसान हूँ, और बहुत कुछ करना है अभी, मतलब इंटरनल जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, पर हाँ पहले से बेहतर हूँ और होती रहूँगी, कोशिश तो यही जारी है।
जो हमारे सीरियल का मोटो है कि आने वाली जनरेशन को किसी ना किसी तरीके से अच्छाई सिखाई जाए, धर्म के करीब लाया जाए, धर्म के पास लाया जाए, और उसी हिसाब से बोलता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपका अपना स्वयं का अच्छा तो अवश्य मांगें, परंतु लोगों का अच्छा करेंगे तो स्वयं का अच्छा अवश्य हो ही जाएगा। तो ये चीज़ आप सीखिए, और धर्म के बारे में बुजुर्ग हैं घर में, वो सब कुछ सिखाएंगे और आपको काफ़ी कुछ पता भी होगा। बी अ गुड ह्यूमन बींग, डू गुड, बी गुड। शिव जी भगवान ने 12,000 साल सती माता के जाने के बाद वो वियोग में रहे थे, मतलब ही वेंट थ्रू दैट फेज फॉर 12,000 ईयर्स, मतलब इट टुक हिम 12,000 ईयर्स टू फाइनली लेट लव कम बैक, और फिर जाके पार्वती माता ने बहुत तप किया और इसलिए शिवरात्रि वाला दिन आया जब उनका विवाह हुआ। और बहुत ही पावन दिन इसे माना जाते हैं कि जिस दिन, और वैसे भी शिव पार्वती का विवाह वर्ल्ड की फर्स्ट लव स्टोरी है, तो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयाम् अमृतात्। ओम जय भोलेनाथ। और ये कर्पूर गौरम है जो मैंने इसी शो में सीखा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए त्योहार मनाने का ना हर किसी का अपना तरीका होता है, और सही मायने में इसमें कुछ सही और गलत नहीं होता है। अब आप सुहागन सीरियल ही देख लीजिए, यहाँ पर भी महाशिवरात्रि की जो है सेलिब्रेशंस हो रही है, और नन्हे नन्हे से बच्चे किस तरह पूरी झांकी तैयार करे हुए, कोई महादेव तो कोई माँ पार्वती बनकर सबका मन मोह रहे हैं। ये दृश्य आप भी देखिए। शिवरात्रि के खास मौके पर अब बिंदिया और घर वाले मिलकर कर रहे हैं शिव की धूमधाम से शादी, और यहाँ पर छोटे शिव भी है और पार्वती भी। घर का माहौल कुछ ठीक ही हुआ था कि लीजिए आ गई है एक और मुसीबत। बड़ी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए अलग पलट चल करके हमने उनसे संकल्प किया और उनके बदले हमने व्रत रख लिया, तो इसमें गलत? बड़ी माँ, दो दिन हुए नहीं कि तूने रिश्ते जोड़ लिए। ईस्ट और वेस्ट बिंदिया जी के साथ बिंदिया के साथ नहीं हूँ, पायल के साथ हूँ, क्योंकि पायल के साथ ही रहना है, तो क्योंकि प्यार पायल से है, पायल मुझसे प्यार करती है, मैं पायल से प्यार करता हूँ। बीच में कोई लड़का टपक गया है जो कि बिंदिया के लिए सही नहीं है, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर वो नहीं बचेगी तो शिव जी बचाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बचा लूँ। अब समय छोटे शिव को अपने गोद में लेकर बारातियों का स्वागत करने की बात करता है। बिंदिया बात को मानकर पूजा करने के लिए आती है, लेकिन ये क्या बात हुई कृष, आपको ये सब रास नहीं आया ना, तभी तो आप झट से आए और समय को सुनाने लग गए। अब ये तो अच्छा हुआ कि बिंदिया की बात मानकर समय शांत हो गया,
और अब फाइनली छोटे शिव जो है वो कृष की गोद में है। और फिर जैसे ही बिंदिया शिव का स्वागत करने जाती है, वैसे ही शिव का मन कुछ और करने लगता है, क्योंकि उनका मन ये है कि वो सभी बच्चों के साथ जाकर खेलें। खैर, अब बिंदिया सभी बारातियों का स्वागत करती है। आज उसने पायल को भी टीका लगाया है। और जब कृष वापस आया तो देखिए फिर कैसे उसे बुरा लग गया। अगर सैम उसको फंसा रहा है किसी उसमें, तो वो देखा नहीं जाएगा मुझसे कि अगर कोई भी अच्छा इंसान किसी बुरे इंसान के संगत में आकर के अगर उसके साथ कल को कुछ बुरा हो सकता है, तो बचाने की कोशिश तो कृष करेगा ही। अब कृष क्या करे, उसे कोई भी चीज समय से जुड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और पूजा में बार बार यू समय का दखल देना उसे रास नहीं आ रहा है, क्योंकि कृष को बस ये लग रहा है कि समय बार बार बिंदिया के करीब आने की कोशिश करता है। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब एक बार फिर पायल लगाएगी बिंदिया पर इल्जाम। मुझे तो अच्छा नहीं लगता ना, वो जब भी कृष के पास जाती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली पायल को तो ये हो रहा है कि आखिर करी क्यों रही है। और पायल को ना थोड़ा सा ना डाउट भी है कि वो ना किसी मकसद से आई है, तो उसके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। हाय ये पागल, ये तो बाज ही नहीं आ रही है, और ये बार बार पड़ जाती है बिंदिया के पीछे। खैर, इस बार बिंदिया अकेली नहीं है, उसे कोई तो इन इल्जामों से बचाएगा, लेकिन कौन, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज तो महाशिवरात्रि के त्योहार के साथ साथ विमेंस डे भी है, और जब माँ पार्वती की बात होती है तो माँ के शक्ति स्वरूप की भी बात होती है, तो आज के दिन तो नारी शक्ति को भी सेलिब्रेट करना बनता है। तो हमारी जो आस्था और ऐश्वर्या शर्मा है, देखिए किस तरह आज के दिन खुद को सेलिब्रेट कर रही है। जी हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी महिलाएं अपने आप को सेलिब्रेट करें। हम वेट करते हैं कि कोई और आएगा, हमारे बारे में अच्छी बातें कहेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। ऐसा क्यों, आप खुद भी तो सक्षम है। विमेंस डे स्पेशल है, सो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी बहन के साथ यहाँ पर आई हूँ एंजॉय करने। तो लेट्स सी अंदर और क्या क्या होता है। स्पेशली इनॉर्बिट मॉल में हम लोग आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है और बहुत क्लोज है, हमारे घर के भी थोड़ा पास में पड़ जाता है। खैर, मेरे घर से दूर, हमारे इन लोगों के घर से पास में पड़ जाता है। सो मेनी मेमोरीज, यस सो मेनी मेमोरीज हियर। तो मेरी बहन तो अभी आई है मुंबई में, यस, तो नई मेमोरी बनाएगी। हम दोनों तो बहुत इन्जॉय कर चुके हैं यहाँ पे। सिंस फॉरएवर वी आर कमिंग हियर, सिंस एक्चुअली फॉरएवर, सिंस 2016। या सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड टुडे, लेट्स गो। सो गाइज, हम हमारे दिन की शुरुआत किस चीज से करने वाले, शॉपिंग से। सो फॉलो अस। लड़कियों का टेस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर होता ही है, सेम होता है, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो, शॉपिंग करने में हो, ज्वेलरी में हो, मेकअप में हो। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट द सेम। यस, व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज़ आई फील द गर्ल्स हु
eat together, shop together, party together, work together, I think they're more fun. Yes. So here we are, and you can also come. Oh, she just actually changed. इसने भी same pants नहीं है. अश्ना मेरा तो बहुत मिलता जुलता रहता है इसका भी. और मुझे मैं हमेशा इससे पूछ के ही पहनती हूँ. ये अच्छा लगा. Sister, sister. I think हमें एक दूसरे का रंग चढ़ गया है. So we are done with the shopping. अब हम जाएंगे games खेलने के लिए. Let's go. Let's go. So guys, guess where we are. Where we are. Time zone. बहुत एक्साइटेड हूँ, पर यहाँ पे किड्स सेक्शन है तो हम पे बच्चों से कम नहीं है क्योंकि हमारे हाथ भी बच्चों जैसे ही है, तो हम बच्चों जैसा खेलने वाले हैं. छोटी सी बॉल से हमको खेलना आता नहीं अच्छे से. हम चाहती हैं आप, हम नन्हे मुन्हे बच्चे हैं, हम आज तक बड़े नहीं हुए हैं और ये हमारे हाथ के हिसाब से भी ठीक ही है. सो या दैट्स अ परफेक्ट थिंग फॉर अस. Zombies आए, zombies, और हमने बहुत सारे zombies को मारा वहाँ पे. और ये फालतू में भी एवी भी वो मार रही थी, डर के मारे भी ज्यादा मार रही थी. एक्चुअली रियल में भी हिट कर रहे थे हम लोग. एक्चुअली रियल में किक कर रही थी क्योंकि वहाँ से वो zombies आ रहे थे, तो मैंने ऐसे भी कर दिया, मतलब oh shit, I am not in reality. Even while opening the door, I was like, open. बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया. टाइम जोन में भी बहुत मज़ा आया, शॉपिंग करने में मज़ा आया. अब फाइनली आई गेस आशना का सबसे पहला काम पेट पूजा. या हम फाइनली खाना खाने आए हैं, मतलब आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड एनर्जी, अब टाइम है एनर्जी को रीगेन करने का. सो हम चलते हैं खाना खाने के लिए. बहुत सारी लेडीज़ इंस्पायर करने वाली, मेरी दादी का एग्जांपल ले लूँ, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो वही है क्योंकि इतना कुछ हो चुका है उनके साथ, इतने सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं, फिर भी शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड लाफिंग. तो दादी है, मेरी मम्मी है जो इतना काम करती आई है, घर पूरा घर संभाला है अभी तक. आशना की मम्मी को देखा है इतना so हमने काम करते हुए, आंटी को, तो सारी ये मम्मियाँ तो स्वीट क्या इंस्पायर तो करती हैं सब यार. इनफैक्ट वी शेयर आवर मदर्स नेम, नीता एंड नीता. नीता एंड नीता, सी बेस्ट फ्रेंड गोल्स एंड माय मदर इन लॉ सुनीता. सो नीता नीता एंड सुनीता, तो सारी मम्मियाँ, सबकी मम्मियाँ बहुत इंस्पायर करती है. माय मदर इन लॉ इज आल्सो. आई थिंक कि हर एक औरत हर एक डिफरेंट तरीके से सबको इंस्पिरेशन और यू नो इंस्पायर करती है, एंड उनकी सबकी एक अलग अलग जर्नी रहती है. सो आई गेस सब अपनी एक लाइफ अलग ही जी रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं, जैसे मुझे ऐश्वर्या से भी इंस्पिरेशन मिलती है, नंदिनी से भी मिलती है, जैसे पतले कैसे रहना है, यू नो दैट्स अ वे. सो आई गेस हर एक औरत एक दूसरे को इंस्पायर करती ही है. बोलो. हाँ, मेरे लिए मेरी बहन इंस्पिरेशन है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत नई हूँ और मैं इसको देखती हूँ कि इसने बहुत कुछ किया है और मुझे इसको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो हाँ, बेनू जी इज माई इंस्पिरेशन. थैंक यू. सो शी इज जॉइन आर फिल्म इंडस्ट्री. हैप्पी वुमेन्स डे. Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।